ड्रग्स लिंक मामलें श्रद्धा कपूर रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान परे एवं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम जोड़ी हो जाएगी। जया शाह कंपनी मैनेजर करिश्मा सह दीपिका पादुकोण ड्रग चैट सामना को आसी। सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामलें ड्रग्स मामलार तदंत कर एनसीबी पक्षर एने सूचना मिली। एनसीबी हाथ में दीपिका और करिश्मा होता व्हाट्सएप चैट लगी जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा ड्रग्स विषय कथा होती। दीपिका एथरे करिश्मा को पचारुछंती तुम पाखरे माल अच्छी कि या उत्तर रे करिश्मा कहउछंती हां किंतु घरे या उपरे करिश्मा अमित नामक युवकंक ना नै कहउछंती मु अमित को पठाई पारिबी या उपरे दीपिका कहउछंती हां दया करी पठाओ। किछ समय परे करिश्मा कहउछंती अमित देबा पई गला या उपरे दीपिका पचारुछंती हाश अच्छी कि किंतु करिश्मा कहउछंती जे हाश नुहे गंजेय अच्छी। ड्रग्स लिंक रे दीपिकांक ना सामना को आसीबा परे दीपिका पादुकोण को मैनेजर करिश्मा को समन करिछि एनसीबी। अधिक आलोचना करिबा मुंबई प्रतिनिधि प्रशांत पांडे अछंती हम सहित फोन लाइन ने। प्रशांत जी अभी बड़े बड़े नाम आने लगने शुरू हो गए हैं, पहले श्रद्धा कपूर रकुलप्रीत सिंह उसके बाद सारा अली खान, अभी फेमस हीरोइन दीपिका पादुकोण का नाम इसमें जुड़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें एनसीबी जिस तरह से अपनी जाँच आगे बढ़ा रही है, क्योंकि देखिए कल जिस तरह से जया शाह से जब पूछताछ की गई तो एक चैट सामने आया जिसमें कई नामों का अहम खुलासा हुआ है। और आप देखिए तो रिया चक्रवर्ती एक बॉलीवुड एक्ट्रेस इस मामले में थी, अब रिया के अलावा छह नए नाम सामने आ चुके हैं। आप देखिए श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और साथ ही साथ रकुलप्रीत सिंह, अब जो है दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर है करिश्मा, उसके चार्ट जो है दीपिका पादुकोण के सामने आ गए हैं। ऐसे में इन बातों को एनसीबी ने साफ किया है कि जिन लोगों का भी नाम इस मामले में सामने आ रहा है उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजकर जरूर बुलाया जाएगा। इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जल्द ही सारा अली खान और श्रद्धा कपूर और नकुलप्रीत को जो है इसी सप्ताह में फ्री उन लोगों को समन भेजकर एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाएगी। और आज सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार जया, श्रुति और साथ ही साथ ये कोयन कंपनी के जो ध्रुव है जिसके अंडर में जया कहाँ काम करती थी उस कंपनी के सीईओ, इन तीनों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तीनों को एक साथ बैठकर पूछताछ की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या इस लिस्ट में और कोई नाम ऐड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि आज 22 तारीख है, रिया चक्रवर्ती की जेल हिरासत आज खत्म हो रही है, तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा और इन्हीं सारे पहलुओं को, तथ्यों को सामने रखकर अदालत में एनसीबी रिया की हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन काफी अहम, काफी बड़ा माना जा रहा है। एक तरफ जहां एनसीबी जया शाह, श्रुति मोदी और ध्रुव को साथ में बिठाकर पूछताछ करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती की रिमांड की मांग जो एनसीबी अदालत में करेगी। प्रशांत जी दूसरी तरफ ये ड्रग्स लीक के मामले में अभी सौभिक चक्रवर्ती को फिर से लाके रिमांड में फिर से पूछताछ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस मामले को लेकर एनसीबी कोई भी लापरवाही नहीं बरत रही है। शुरुआत में हमने देखा पहले ड्रग पेट्रोलरों के नाम आ रहे थे, फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती के जरिए जैसे ही शाह का जैसे ही चैट सामने आया तो उसको बुलाकर जो है पूछताछ की गई, और फिर उसके बाद जया शाह ने कल इस बात का खुलासा किया कि उनके संपर्क में ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिन्हें वो ड्रग सप्लाई करती थी। जिया शाह का जो है उसका खुलासा होने के बाद अब जो है नाम सारा अली खान का आया, श्रद्धा कपूर का आया, अब दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर थी करिश्मा उनके साथ जो है जया शाह के जो है चैट थे, और जया शाह के चैट करिश्मा से थे और करिश्मा के चैट दीपिका पादुकोण के साथ थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए एक के साथ एक ये तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इन सभी को समन करके एनसीबी अपने दफ्तर बुलाएगी। एसआईटी की जो टीम बनी है वो पूछताछ करेगी और अगर उसमें एविडेंसेस पाए जाते हैं तो मतलब प्रशांत जी अभी उनके मैनेजर करिश्मा को समन किया जा चुका है एनसीबी की तरफ से, मतलब इसके बाद दीपिका की भी बारी आ सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने वही कहा कि पूछताछ के लिए सभी को बुलाएगी एनसीबी और अगर पूछताछ में उनके हाथ सबूत मिलते हैं तो सभी की गिरफ्तारियां भी संभव है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन बहरहाल अभी उन कड़ियों को एनसीबी ढूंढ रही है जिनके कांटेक्ट में ये
सारे सेलिब्रिटीज थे, आज इसीलिए जया शाह को फिर से बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और जया शाह जिस कंपनी कोइन कंपनी में जहां काम करती थी उनके सीईओ को ध्रुव को भी बुलाया गया है। अगर उस कंपनी में काम करती थी तो कैसे काम करती थी, क्या ध्रुव भी उनके कॉन्टैक्ट में थे, क्या चीजें थी, इन तमाम चीजों को आज फिर से खंगाला जाएगा और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि अब समन कब और कैसे इन सेलिब्रिटीज को भेजकर बुलाया जाए पूछताछ के लिए। एक बार सबूत जब एनसीबी के हाथ लगेगी तो सभी सेलिब्रिटीज को समन करके बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ एनसीबी जरूर करेगी। प्रशांत जी, अगर दूसरे एंगल में देखें, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का जो केस है, उनका जो मृत्यु का जो केस है, वो केस किस तरह से अभी प्रोग्रेस में है? जी बिल्कुल, देखिए ये लिंक जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस से ही शुरू हुआ है और ड्रग एंगल तब खुलासा हुआ जब रिया ने खुद पब्लिकली कहा कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिए थे। लेकिन उसी बात को खंगालने के लिए एनसीबी ने एक अपनी टीम बनाई और सबसे पहले बैंड्रा, जुहू, ओशिवारा, अंधेरी, लोखंडवाला जो पॉश इलाके हैं जहां पर सेलिब्रिटीजों का रहना, उठना, घूमना, फिरना है, वहां के ड्रग पेटलरों को जो है गिरफ्तारी करनी शुरू की। और उसके बाद एक एक करके पहले ड्रग पेटलर गिरफ्तार हुए, फिर इस बात का खुलासा हुआ कि कई ड्रग पेटलरों के कॉन्टैक्ट में एमवेल मिरिंडा, सौविक जो रिया के भाई है, वो रहते थे। फिर उनको जब तलब किया गया पूछताछ के लिए तो उनको फिर खुलासा हुआ कि ये सारी चीजें जो है रिया के इशारों पे होता था। अब रिया को जब उन्होंने एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और जब सबूत मिला तो रिया की गिरफ्तारी दिखाई गई। रिया से ये खुलासा हुआ कि उनके जो मैनेजर हैं श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जो है सुशांत के जया शाह, इन लोगों को तलब किया गया। अब देखिए जया शाह को जब पूछताछ की गई तो जया शाह ने ये सारी चीजें स्पष्ट की है कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज उनके संपर्क में थे, उस चैट का खुलासा हुआ है और यही वजह है कि अब बड़े बड़े नामों पर इसमें खुलासा होना शुरू हो चुका है। तो ये कड़िया जो है शुरुआत, बिल्कुल ये ड्रग्स लिंक का जो मामला है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और दिन ब दिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी का नाम भी इसमें आ रहा है, जुड़ जा रहा है। और एनसीबी की तरफ से मैनेजर करिश्मा, दीपिका पादुकोण का जो मैनेजर करिश्मा है, उनको समन किया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी तमाम जानकारियों के लिए।